हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, ये ब्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि 2020-21 के अंदर त्रिपुरा स्टेट राइफल्स के अंदर एक वैकेंसी आई थी राइफलमैन जीडी, जो आउटसाइड अदर स्टेट के लिए थी और इनसाइड ओनली त्रिपुरा वालों के लिए भी थी। तो हमने इस वैकेंसी का फॉर्म फिल किया था, ऑफलाइन फॉर्म निकले थे। फॉर्म फिल करने के बाद हमारा फिज़िकल हुआ था पहले, तो हम फिज़िकल के लिए ऑन द फ्लाइट गए थे क्योंकि अगर हम ट्रेन से जाते तो 3 से 4 दिन लगते हैं, जिससे आदमी हार थक जाता है, परेशान हो जाता है। तो इसलिए हमने फ़्लाइट को चुनना, और ये हमारी ज़िंदगी की पहली फ़्लाइट जर्नी थी कि हम किसी एक भर्ती देखने जा रहे हैं और फ्लाइट के अंदर गए थे। तो ये एक बहुत ही अच्छा पल रहा हमारा लाइफ टाइम का कि हमने लाइफ में एक बार जरूर फ्लाइट में बैठ के देख लिया। सबको बैठ के देखना चाहिए एक बार फ्लाइट में। तो ये जो आप नीचे सीन देख रहे हो, ये त्रिपुरा का सीन है फ्लाइट से, जो हमने कैमरे पे कैप्चर किया था। त्रिपुरा हमारी जो फ्लाइट है, ये वेस्ट बंगाल से बांग्लादेश से होते हुए फिर त्रिपुरा के अंदर एंटर करती है, क्योंकि जो त्रिपुरा हमारा स्टेट है तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो ये आप नज़ारे सब त्रिपुरा शहर के देख रहे हो, अगरतला सिटी के नज़ारे हैं आप। वही हमारी फ्लाइट अब लैंड होने वाली है। फ़्लाइट से उतरने के बाद दोस्तों, हम चले गए सीधा अपना फिजिकल ग्राउंड पे, जो कि आर के नगर 2nd बटालियन TSR ग्राउंड में था, और वहीं पे ट्रेनिंग हुई है जो नए रिक्रूट भर्ती हुए थे। वहां से हम सीधे पहुंचे अपने ग्राउंड में, जिसके बाद हमारा 5 किलोमीटर की रनिंग हुई वहां पे। वहां पे मिट्टी का ग्राउंड था, 400 मीटर का एक चक्कर था, हमने 12 चक्कर लगाए थे, 4800 बनते हैं, लेकिन थोड़ा सा आगे वहाँ पे हमें रुकवा दिया गया था। यानी कि हमारी 5 किलोमीटर कंप्लीट रनिंग करा के फिर हमें ऐसे बैठा दिया गया था, वहाँ पे हमारा मेडिकल हो गया था। ये हमारा कुछ ऐसे ग्राउंड का फ़ोटो है, ये देख सकते हो आप, ये कुछ वहाँ के त्रिपुरा स्टेट राइफल के अंदर की फ़ोटो है वहाँ पे। उसके बाद फिर बाम्बू के पेड़ हैं। ये सब फिजिकल देख के मैं चला गया था। फिर अपने एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ दोस्तों, इसमें मैंने इंटरव्यू वाली वीडियोज़ भी कवर कर ली है कि इंटरव्यू के टाइम, ये देखो पर्सनल इंटरव्यू कैसे हमारा अगरतला में हुआ था वेन्यू AD नगर में। तो ये ऐसे भीड़ थी वहाँ पे, अलग अलग बनाए गए थे बोर्ड, ये मेरे बोर्ड 3 नंबर में था। उसके बाद ये कमांडर, ऐसी गाड़ी आई थी कमांडेंट की, पता नहीं किसकी गाड़ी थी, याद नहीं आ रहा अब। ये कुछ वहाँ पे AD नगर के अंदर के कुछ वीडियोज़ हैं जो मैंने कैप्चर किए थे वहाँ पर। उसके बाद फिर मैं त्रिपुरा के शहर के अंदर थोड़ी देर घूमा, फिर वहाँ से दोस्तों मैं अपने चले गया दोस्त के घर। ये मेरे दोस्त की फ़ोटो है। फिर मैंने अपने दोस्त के घर जाके ली एक सेल्फी, ये उसका घर है। फिर मेरे दोस्त ने पकड़ के दी एक मछली, तो मैंने उसे अपने हाथ में लिया और वो रिपट के नीचे गिर गई। फिर मेरे दोस्त ने इसको काट के बना दिया सब्जी। ये मेरे दोस्त के घर रबड़ के पेड़ है, जिसपे दूध इकट्ठा करके रबड़ बनाया जाता है। फिर ये मेरे दोस्त के घर नहीं, खेत के अंदर एक बाग बना रखा है, जिनमें उन्होंने फल फ्रूट वगैरह बो रखे थे, कुछ सब्जियां लगा रखी थी। उसके बाद वो ले गया मुझे अपने कॉलेज के अंदर, जब वो कॉलेज में था उस टाइम, ईश्वर विद्या चंद्र सागर कॉलेज बिलोनिया। ये इंडो बांग्लादेश बॉर्डर है, जो कि बिलोनिया लैंड एंड कस्टम के अंदर आता है। BSF का यहाँ पर पहरा है। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे हम गए माताबारी टेम्पल, त्रिपुरा सुंदरी देवी मंदिर, जो कि हमारे अष्टपीठों में से एक है, और यहाँ पे जाके आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, मेरी भी हुई है। नेक्स्ट टाइम जाऊँगा तो फिर इसमें अगले ब्लॉग में लेके आऊँगा पूरा मंदिर का। उसके बाद फिर हमने किया वहाँ पर पूजा पाठ। यहाँ पे मेरे दोस्त ने किया पूजा पाठ, फिर उसने एक पान बनवाया, मीठा पान बोलते हैं इसको। फिर मैं उसके गांव के मंदिर में गया, बंगाली भाषा में लिखा मुहरीपुर,
साउथ डिस्ट्रिक्ट त्रिपुरा में मंदिर था ये। ये कुछ धान के खेत का नज़ारा था। फिर मैं निकल गया आप अगरतला की ओर, क्योंकि मेरी नेक्स्ट शाम को ही ट्रेन थी, नेक्स्ट डे नहीं शाम को ही ट्रेन थी। और ये त्रिपुरा शहर के अंदर के नज़ारे, रिक्शा के अंदर बैठा शहर के अंदर घूमा वहाँ पर। तो इंजॉय करिए दोस्तों इस वीडियो को, चलिए बने रहिए पूरी देखिए वीडियो को। वीडियो नहीं मस्त मस्त नज़ारे आपको दिखने वाले असम की ब्यूटीफुल बात। चलिए दोस्तों व्लॉग को आप एंजॉय करिए और असम दोनों की सुंदरता आपको दिखने वाली है। व्लॉग के ट्रेन जर्नी मेरी शुरू होगी अगरतला रेलवे स्टेशन से और आजम निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन दिल्ली से जाके ख़त्म होगी। राजधानी का ये सफ़र रहने वाला, खाना पीना उस टाइम मिलता नहीं था, कोविड का टाइम था, लेकिन चाय और जूस वगैरह वहाँ पे अंदर मिल जाते थे। चलिए दोस्तों देखते रहिए आप। तो दोस्तों उजियंता पैलेस, ये पैलेस घूमने के बाद फिर मैं अपने रेलवे स्टेशन के लिए रवाना हो गया, क्योंकि मेरी ट्रेन थी शाम को वहाँ से अगरतला से राजधानी एक्सप्रेस दिल्ली हज़रत निज़ामुद्दीन के लिए। ये अगरतला का आपका रेलवे स्टेशन है, कुछ ऐसा नज़ारा है बाहर से, बहुत बढ़िया रेलवे स्टेशन है, सुंदर रेलवे स्टेशन है अगरतला का। मच्छर एक लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, वो पूरे नॉर्थ ईस्ट में आपको मिलेंगे मच्छर। तो अगरतला रेलवे स्टेशन का कुछ ऐसा नज़ारा है।
कहीं मत जाइए दोस्तों, बने रहिए क्योंकि एक सुरंग आने वाली है अब आपके इस वीडियो में। तो ये देखिए दोस्तों, सुरंग आ चुकी है आपको। ये अंदर का कुछ रेलवे बोगी का नज़ारा था और ये सुरंग काफ़ी लंबे चली, लेकिन मैंने फिर से कैमरा ऑन कर दिया अपना कि कब ख़त्म होएगी ये सुरंग। तो जस्ट एक सेकंड में अब ये ख़त्म हो जाएगी। तो ये ऐसी सुरंग इस रास्ते पे बहुत सी आती है, जो कि आपका असम से होते हुए ये ट्रेन गुवाहाटी और फिर अगरतला जाती है। तो बहुत ही एक ये मान लो नेचुरल प्राकृतिक यहाँ पे ख़जाना है, पेड़ पौधे औषधियों का। ये सफ़र एक यादनामा सफ़र है जो हमने अभी